जितनी जल्दी फीस ली उतनी जल्दी बुक्स दे दो, हम पढ़ लेंगे। और वैसे भी सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करा, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। अब कह रहे कि अब तुम चार तारीख से पेपर दे दो, क्या लिखेंगे हम, जीरो अंडा। और फिर फेल कर दोगे तो फिर अगले साल और फिर ले लो, फिर पैसे और भर लो, अपने महल बना लो। और फिर उसके बाद में गरीब का बच्चा और धकेले जा रहा है, और फिर बोलते कि गरीबी आ रही है, लड़कियां क्यों नहीं पढ़ रही है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे लगते हैं। बताओ तो सही, बेटियों पढ़ाओ तो सही, तभी तो आगे बढ़ेंगी। एग्जाम ही ना हो, बुक अवेलेबल होनी चाहिए। जब तक एग्जाम ले ले, ऐसे तो स्कूल में भी नहीं करते थे, स्कूल वाले पहले कवर कराते, बच्चों की फिक्र होती थी उन्हें कि नहीं बच्चे सिलेबस कर ले, भविष्य बन जाए। आज मैं अपनी एक मेरी फ्रेंड है, मेरी मैम है, वो कहती बेटा अपना भविष्य बना लियो, अपना भविष्य बना ले। जब पता चला कॉलेज में ये सब होता तो मेरा तो दिल ही टूट गया। ऐसे तो ना होता कि मजबूरी का कोई फायदा उठाए। अगर बुक तुम नहीं कर सकते तो कॉलेज क्यों बनाते बड़े बड़े? किस नाम का कॉलेज? ये दौलत राम, ये मिरांडा, ये किस बात का कॉलेज है? नाम का ऐसे हो लेगा तुम्हारा? रेगुलर वाले इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे बीकॉम को दे दिया बुक, ऑनर वालों को दे दिया, ये सारे के स्पेशल है क्या? हम क्या मिडिल क्लास वाले, तो इसका मतलब हमारा कोई हक नहीं बनता बुक में? क्या हमको वो नहीं है बच्चे? हमारा भी हक है, हमें भी राइट्स है, हमें भी बुक चाहिए, हमें भी पेपर देना है। हम ये नहीं चाहते कि अपना भविष्य खराब करें। पेपर पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आगे तो माँ बाप तो कहेंगे घर पे बैठ जा। बारकोड डाले तो आई कार्ड शो नहीं हो रहा है, जब आई कार्ड शो नहीं हो रहा है तो हम आई कार्ड लेके कैसे जाएंगे? सब्जेक्ट अपनी मर्जी से खुद भी चेंज कर दे रहे, किसी को उर्दू दे रहे, किसी को इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम वाला है उसको इंग्लिश क्यों दे रहे हो तुम? जो वो चाहता है सब्जेक्ट वो दो, तुम बार बार ही चेंज करे जा रहे हो, तो कैसे होगा, पढ़ेगा कैसे बच्चा? और वन मंथ के अंदर इतनी चेंजेस बोरे, 5 फरवरी को जाके चेंज करवा लो, बट अचानक से ऐसे कैसे चेंज करवा सकते हैं? अपनी मर्जी से कैसे दे सकते हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमसे भी पूछने। जब तक टीचर खुद नहीं समझाएगा तब तक बच्चों को कुछ भी समझ नहीं वाला। यूट्यूब और गूगल कुछ ऐसे नहीं है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कुछ भी करेंगे, ठीक है? जब तक अध्यापक खुद पढ़ेगा तभी पढ़ पाएंगे बच्चे, ऐसे कुछ नहीं है। हमें बस ठगा जा रहा है, बस बुलाया जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा। 2 दिन की क्लास है, बस नहीं पढ़ाया नहीं जा रहा, कुछ नहीं मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका ये जो मजमा है ये कानून के खिलाफ है, आप सभी के खिलाफ। यहाँ पे हमें स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा, हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी पढ़ाई हमारी करियर से बर्बाद हो रहा है, हम क्या करेंगे अपनी लाइफ में? हमें अभी एक भी बुक नहीं मिली, हमारे माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ के कमा हमारे लिए कमा रहे हैं कि हम पढ़ सकें, पर बुक नहीं मिलती और फीस दुगनी कर दी गई।